वहीं पश्चिम बंगाल और असम की चुनावी महासंग्राम की आज दूसरी बड़ी परीक्षा है और ऐसे में दूसरे चरण के लिए पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है और कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस ने गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है और ऐसे में बंगाल और असम में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है और सुबह 9 बजे तक बंगाल में 15.72% और असम में 10.51% मतदान हुआ। ऐसे में नवापारा में बीजेपी नेता भारतीय घोष ने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में नहीं जाने दिया जा रहा और ऐसे में डेबरा सीट से उम्मीदवार भारतीय घोष ने टीएमसी पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है। और ऐसे में आपको बता दें कि बंगाल के अलग अलग पोलिंग बूथ पर अब वोटरों की भीड़ जुटने लगी है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके एजेंट के साथ मारपीट की जा रही है और एक तरफ मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ टीएमसी ने कड़ा आरोप लगाया, कई जगहों पर उनके समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो यहाँ मेदिनीपुर साउथ 24 परगना में टीएमसी का आरोप है कि उनके लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो यहाँ मेदिनीपुर में टीएमसी प्रत्याशी का कहना है कि उनके पोलिंग एजेंट को हाउस अरेस्ट किया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।